5-10 में किए हैं, उससे 1,800 करोड़ रुपए राजस्थान को भी कम मिलेंगे राजस्व का, क्योंकि जो टैक्स लगता है वो लगता उनकी रेट कितनी है उसके ऊपर टैक्स सरकार लगाती, राजस्थान सरकार लगाती है। मैंने 8-10 महीने पहले ही 2% कम किए थे महंगाई देखते हुए, किसी राज्य ने उस वक्त नहीं किए थे, हमने खाली अकेले राजस्थान ने किया था 2%। 1,000 करोड़ रुपये का हमें लॉस घाटा हुआ था उस वक्त में, 1,000 करोड़, तो वो 1,800 रुपये हो गए, अभी 1,800। अभी जो मोदी जी ने किया है 5-10 रुपये, तब 1,800 करोड़ का और घाटा राजस्थान को होगा। पर क्योंकि राजस्थान के अलावा राज्यों को उन्होंने कहा कि आप भी कम करो, हमने कहा हम कम करें या आप कम करोगे, तो आप कम करोगे तो हम सबका कम अपना हो जाएगा, टैक्स तो आपके ऊपर लगाता है। अगर आप अभी 10-15 रुपये कम करते हो तो 3,500 रुपये हमें रेवेन्यू कम मिलेगा राजस्थान को, तो बात वही नहीं है, जनता को उसका फायदा मिल जाएगा। तो वो लड़ाई तो अलग चल रही है, पर फिर भी हमारी मंशा है, क्योंकि सब राज्यों ने कम किया, अड़ोस पड़ोस राज्यों ने, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, तो हमें भी कम करना पड़ेगा। हम सोचते किस तरह कम करें, 5-10 रुपये किए हैं, उससे 1,800 करोड़ रुपये राजस्थान को भी कम मिलेंगे राजस्व का, क्योंकि जो टैक्स लगता है वो लगता उनकी रेट कितनी है उसके ऊपर टैक्स सरकार लगाती, राजस्थान सरकार लगाती है। मैंने 8-10 महीने पहले ही 2% कम किए थे महंगाई देखते हुए, किसी राज्य ने उस वक्त नहीं किए थे, हमने खाली अकेले राजस्थान ने किया था 2%, 1,000 करोड़ रुपये का हमें लॉस घाटा हुआ था उस वक्त में, 1,000 करोड़, तो वो 1,800 रुपये हो गए, अभी 1,800। अभी जो मोदी जी ने किया है 5-10 रुपये, तब 1,800 करोड़ का और घाटा राजस्थान को होगा। पर क्योंकि राजस्थान के अलावा राज्यों को उन्होंने कहा कि आप भी कम करो, हमने कहा हम कम करें या आप कम करोगे, तो आप कम करोगे तो हम सबका कम अपना हो जाएगा, टैक्स तो आपके ऊपर लगाता है। अगर आप अभी 10-15 रुपये कम करते हो तो 3,500 रुपये हमें रेवेन्यू कम मिलेगा राजस्थान को, तो बात वही नहीं है, जनता को उसका फायदा मिल जाएगा। तो वो लड़ाई तो अलग चल रही है, पर फिर भी हमारी मंशा है, क्योंकि सब राज्यों ने कम किया, अड़ोस पड़ोस राज्यों ने, तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, तो हमें भी कम करना पड़ेगा। हम सोचते किस तरह कम करें।